आदिवासी मूलवासियों को टाटा स्टील कंपनी में नौकरी नहीं दिए जाने के विरोध में झामुमो ने टिस्को जनरल ऑफिस के गेट को घंटों जाम कर दिया। इस मौके पर झामुमो के नेताओं ने अपने विचार भी रखे। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में झामुमो के नेता और कार्यकर्ता टाटा स्टील जनरल ऑफिस गेट पर पहुंचे। वे सभी गेट पर धरना देकर बैठ गए, नगाड़े की थाप पर नारेबाजी करने लगे। इस मौके पर बहरागोड़ा से झामुमो के विधायक विद्युत वरण महतो, घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन, पूर्व मंत्री सुधीर महतो, दुलाल भुइया और शेख बदरुद्दीन मोहन कर्मकार, महावीर मुर्मू सहित अन्य नेताओं ने अपने विचार रखे और इस मौके पर कार्यकर्ता नारेबाजी भी करते रहे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो ने कहा कि टाटा स्टील कंपनी प्रबंधन आदिवासी मूलवासी को नौकरी नहीं देकर अन्याय कर रही है। स्थानीय लोगों को 90% नौकरी पर लिया जाना चाहिए। टाटा कंपनी में आदिवासी मूलवासियों का उपेक्षा हमेशा होता रहा, आज भी हो रहा है। वो चाहे बहाली के नाम से हो या अप्रेंटिसशिप के नाम से हो या नौकरी के अलावा जो अंदर इनसाइड में छोटा मोटा सप्लाई हो या छोटा कंडक्टरी हो, वो सब में भी आदिवासी मूलवासी का उपेक्षा हमेशा से होता रहा। आज जब यहाँ हजारों की तादाद में बहाली का बात है, उसमें भी इस तरह का ना हो, इसलिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि जितना भी नॉमिनी है वैसे उसमें कम से 90% यहाँ के लोकल और स्थानीय लोगों को बहाली हो। ये मान